चलिए हम लोग बात करेंगे वैदिक काल के बारे में, है ना। इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो वैदिक काल के इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, क्योंकि इतिहास की शुरुआत, जब तक सिंधु घाट सभ्यता के बारे में पता नहीं चला था तो भारतीय इतिहास की शुरुआत इस वैदिक काल से ही होती थी, ठीक है ना। वैदिक काल दिख रहा है, मतलब वैदिक काल का मतलब होता है कि वैसा पीरियड, इतिहास का वह काल, इतिहास का वह काल जिस समय वेदों की रचनाएं हुई या वेद के बारे में जानकारी हुई थी। पंखा बंद कर दो, ठीक है ना। वैदिक काल बेसिकली वेदों की रचनाओं से जुड़ा हुआ है, मतलब वैसा पीरियड जब वेदों की रचना हुई थी। तो निश्चित रूप से ये वेदों की रचना हुई, जिसका मतलब क्या है, इतिहास वाले लोग अच्छे तरीके समझेंगे इसको। वेदों की रचना का तात्पर्य क्या, आखिर वेदों की रचना में क्या था, वेद है क्या, ठीक है। तो वेद में क्या लिखा हुआ होगा, निश्चित रूप से जैसा कि हम लोग बार बार बात करते हैं कि हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक नीड्स है, और इसके बिना हम लोग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से कोई भी साहित्य होगा, ठीक है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, इवन कि रामायण हो, कुरान हो, बाइबिल हो, है ना, कोई भी साहित्य, कोई भी धार्मिक ग्रंथ भी होंगे, उसमें इन्हीं सारे बेसिक नीड्स की बुनियादी सुविधाओं को किस प्रकार से शांतिपूर्वक प्राप्त करते हुए मानव अपने जीवन को सफल बनाएगा या मानव का कल्याण होगा, बेहतर जीवन यापन करेगा, इसकी चर्चा रहती है। तो निश्चित रूप से वेद की जो रचना हुई होगी, एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था इसमें होगी, इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में, संस्कृति के बारे में, ठीक है, इसके बारे में चर्चा हुई होगी, इसके बारे में इतिहास में रचनाएं की गई होंगी कि कैसे जीवन यापन करना है। तो जब मानव जीवन जैसे ग्राफ अगर बनाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से अगर हम वैदिक काल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से कुछ ऐसे आगे चला होगा ऐसे। तो निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ तक का इतिहास, जैसे यहाँ से यहाँ तक के इतिहास को लेंगे तो कोई एक खंड में नहीं रहा होगा। निश्चित रूप से मानव का जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक या अन्य जो जीवन के पाठ हैं, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया होगा, एक ही जैसा नहीं रहा होगा, ठीक है। इसीलिए वेदों की रचना काल को भी हम लोग सीधे यहाँ से वहाँ एक ही जैसा नहीं करते हैं, बल्कि इसमें जो परिवर्तन हुए थे, जो चेंजिंग आया था, यहाँ पर हम लोग चेंजिंग की बात करेंगे, जो चेंजेज आए थे, चेंजेज के आधार पर वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक है तुम्हारा पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज बोलते हैं इसको, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, लेटर वैदिक एज। मतलब वैदिक काल को मोटे तौर पर हम लोग क्या करेंगे, अब दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अब क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं, एक है हमारा पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और मतलब ये सामाजिक आर्थिक जो जीवन है, धार्मिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, इसमें परिवर्तन के ये चरण दिख रहे हैं, जो ग्राफ से भी ऐसे दिखाया गया। और यह पीरियड है पूर्व वैदिक काल का 1500 बीसी से 1000 बीसी और 1000 बीसी से 600 बीसी है उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऋग वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल जिसको हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल, ठीक है, क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद पहला वेद है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखे हैं वेदों की संख्या चार है, तो पहला वेद है ऋग्वेद, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी रचना हुई थी, मतलब उस समय का लाइफ, इस पीरियड का लाइफ, इस पीरियड का सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कल्चरल रिलीजियस लाइफ के बारे में इसमें रचना हुई थी, ठीक है। बाद के कालों में यहाँ पर यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, ठीक है, अथर्ववेद, ध्यान देना है, अब चार वेद हो गए, ठीक है ना। चार वेद में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, चारों वेदों की जो रचना हुई है वो अलग अलग कालखंडों में हुई है। मतलब चार वेद में क्या है, जीवन के जो जीने के तरीके हैं मनुष्य का, ठीक है, जीने की शैली है, चाहे वो
किस प्रकार से जीता हो, पारिवारिक संबंध कैसा है, समाज कैसा बन रहा था, वैवाहिक संबंध कैसे होते थे, पिता पुत्र के रिलेशन कैसे थे, महिला पुरुष के अधिकार कैसे होते थे, आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता था, कृषि कैसी होती थी, उद्योग था या नहीं था, था तो कैसा था, मॉनिटरी सिस्टम था या नहीं था, ये सारा चीज़ हम देखना है। व्यापार वाणिज्य होते थे कि नहीं होते थे, धर्म किस प्रकार के थे, राजनीति थी या नहीं, अगर थी तो कैसी थी, ये सारे क्रियाकलापों का इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और जो वर्णन किया गया है वो एक क्रमिक विकास है, मानव जीवन का क्रमिक विकास। निश्चित रूप से ऋग्वैदिक काल में जो रहा होगा उसका विकास अभी कम हुआ होगा, बाद का जो ये वेद है यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इसमें क्या हुआ होगा, निश्चित रूप से सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन थोड़ा कंपेटिवली बेहतर रहा होगा, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, कंपेटिव स्टडी करेंगे। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इन सारे वेदों के उपवेद की रचना हुई है, ठीक है, इन सारे वेदों का ब्राह्मण की रचना हुई है। ये ब्राह्मण यहाँ पर कोई ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखना, ये ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं है, ये ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ठीक है ना, आप लोग को समझना है, जो लोग पहली बार अगर देख रहे हैं इसको, ब्राह्मण के बारे में पढ़ रहे हैं, यह ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे जो ब्राह्मण एक जाति बोलते हैं आज के समय में, आज के समाज में, यह ब्राह्मण क्या है, एक ग्रंथ है, साहित्य है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य था जिसमें यह गद्य साहित्य था, ठीक है, प्रोज था, इसमें कर्मकांडों के बारे में वर्णन था। कर्मकांड का मतलब होता है पूजा पाठ के विधि विधान करने के तरीके, कर्मकांड का मतलब जो कर्म करते हैं, हाथ से जो काम करते हैं, जब पूजा पाठ होता है बहुत सारा कर्मकांड होता है, ठीक है, और बहुत सारे रीति रिवाजों का वर्णन है। उस रीति रिवाजों को लोग क्या करते थे, याद करके रखते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे। इसीलिए वैदिक काल में वेद ऐसे ही लिखा हुआ, वेद क्या है, वेद श्रुति है, श्रुति का मतलब होता है सुन सुन कर याद करने वाला, लिखा हुआ नहीं था। श्रुति का मतलब क्या है, नोट रिटेन, ये रिटेन नहीं है, बल्कि सुन सुन कर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये ट्रांसफर किया जाता था। इसमें होता है क्या कि अगर एक पीढ़ी का व्यक्ति अगर दूसरे पीढ़ी को बता रहा है, दूसरा पीढ़ी वाला फिर तीसरे को, फिर चौथे को बता रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या होता है वहाँ पर मिस भी कर सकता है, गैप भी हो सकता है, बहुत सारा क्या होगा उसमें नया चीज़ जुड़ भी सकता है, ठीक है ना, एडिशन भी हो सकता है। इसीलिए इतिहास पढ़ने वाले को इसको ध्यान रखना है, और इतिहास से अलग वाले विद्यार्थी जीएस वाले विद्यार्थी को ध्यान रखता है कि जो कुछ भी इसमें लिखा गया है, मतलब वेद जब लिखे गए हैं, मतलब जो इसका हम लोग एक स्क्रिप्ट में बात करेंगे वेद का, तो स्क्रिप्ट में बात करेंगे तो निश्चित रूप से वेद में जो कुछ लिखा हुआ है उस समय जो वेद का जो पीरियड था इस पीरियड का, ठीक है, तो दोनों में काफ़ी कुछ अंतर दिखेगा। हालांकि उतने डिप में हम लोग को अभी जाना नहीं है, जब चर्चा होगी तो वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह से था, ये हम बात कर रहे थे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। इसके अलावा अरण्यक सब जो है जंगल से जुड़ा हुआ, अरण्य फॉरेस्ट, ठीक है, इसमें क्या था, जीवन के दर्शन गुण रस, अभी भी तुम बात करते हो सुनते हो, कोई व्यक्ति अगर संत बन गया साधु बन गया जंगल चला गया, या पहले लोग चला जाता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जाकर जंगल में तपस्या करते थे, और जंगल में ही वो बहुत तरह के रहस्यों की जानकारी, बहुत तरह का फिलॉसफी, बहुत तरह का दर्शन प्राप्त करते थे। आखिर ऐसे ही क्यों नहीं होता था, तो आज पढ़ने के लोग शहर में आता है, आज पढ़ने के लोग दिल्ली पटना है ना इलाहाबाद जयपुर ऐसे जाता है लोग, अब पहले कहाँ जाता था, लोग जंगल में जाता था, क्योंकि जंगल में शांति रहती है, खतरे कम रहते हैं, डिस्टर्बेंस कम रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जीवन के गंभीर दर्शन को समझना, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए एकदम शांति की आवश्यकता होती है। जैसे अभी भी हम लोग बात करते हैं तो पढ़ने के लिए क्या है, एकदम माइंड पीसफुल होना चाहिए, लेकिन हम लोग रहते हैं मेट्रो सिटी में, लेकिन फिर भी क्या है, माइंड पीसफुल होना चाहिए, बात करते हैं। तो उस समय इसी तरह से क्या होता था, लोग गाँव में रहते थे लेकिन जीवन के दर्शन को समझने के लिए क्या होता था, जंगल में जाकर उसका अध्ययन करते थे। ये अरण्यक शब्द उसी से आया हुआ है, यह भी साहित्य है। इसके अलावा उपनिषद का मतलब ऐसे दो शब्दों से बना हुआ, उप प्लस निषद, मतलब समीप आकर बैठो। समीप आकर बैठो का मतलब होता है यहाँ जो गुरु हैं, गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं कि ज्ञान चूंकि देना है, ज्ञान को ट्रांसफर भी करना है ना, हमने बताया था श्रुति ग्रंथ का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ज्ञान का ट्रांसफर करना, तो गुरु क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो पास आकर बैठो, समीप आकर बैठो। तो उपनिषद मतलब क्या होता है, समीप आकर बैठने की बात हो रही है, मतलब ट्रांसफर होगा तो ज्ञान दिया जाएगा, इसमें क्या होगा, ज्ञान को ट्रांसफर किया जाएगा। तो यह जो है तुम्हारा ज्ञान मार्ग से जुड़ा हुआ है, और इस समय उपनिषद के काल में
आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में भी लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका था। मतलब आत्मा है, स्पिरिट है, सॉल है, रीबर्थ होता है, इसके बारे में जानकारी भी यहाँ मिलनी प्रारंभ हो गई। लेकिन जिस तरह से वैद्य में कर्मकांड के बारे में हमने किया था, यहाँ पर कर्मकांडों में पुरोहितों की भूमिका बढ़ गई थी। पुरोहित के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। पुरोहित श्रेष्ठ, ये पुरोहित व्यक्ति है, ध्यान रखना है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये पुरोहित क्या है, व्यक्ति है, पर्सन है, ठीक है, ये ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ कौन है? ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ठीक है। अब पुरोहित पर्सन है, व्यक्ति है, जो कि पूजा करवाएगा, पाठ करवाएगा, अभी जो होता है, अभी जो हम लोग के घर में परिवार में जो पूजा पाठ करने को आते हैं पुरोहित बोलते हैं उसको, हम लोग यहाँ ब्राह्मण बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं, ठीक है ना, है वो पुरोहित, उस समय पुरोहित बोलते थे, ब्राह्मण ग्रंथ था। यहाँ पर क्या होता था, ये क्रमकांड जब बहुत ज़्यादा पढ़ गया तो क्रमकांड में जटिलताएं बढ़ जाती हैं। जैसे धर्म जितना सरल होगा, धार्मिक मार्ग जितना सरल हो, चाहे कोई भी धर्म होगा, जब धार्मिक मार्ग सरल होता है तो व्यक्ति उसको आसानी से, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, उसको एडॉप्ट करता है। लेकिन जब उसमें जटिलताएं आ जाती हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति उबने लगता है, समस्याएं होने लगती है, या समझ के बाहर हो जाता है, या आम आदमी के समझ के बाहर हो जाता है। ज़्यादा कर्मकांड, ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है, ज़्यादा खर्च, ज़्यादा विधि विधान, समय ज़्यादा लगेगा। तो क्या होता है कि जब ज़्यादा कर्मकांड होता है तो बाकी काम धाम, कृषि का कार्य करना है, उद्योग है, व्यापार, इसमें बाधाएं आने लगती हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या होगा कि उसका विरोध भी होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, हम वैदिक साहित्य ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वैदिक पीरियड के लास्ट फेज में ही उपनिषद का जो फेज है, जिसको हम लोग वेदांत भी बोलते हैं, इसकी रचना, चूँकि वैदिक साहित्य में इसकी रचना सबसे अंत में हुई थी, इसलिए इसको वेदांत बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्रमकांडों का विरोध होना शुरू हो गया था, ध्यान रखना है, क्रमकांडों का विरोध शुरू हो गया था। और इसके बाद ही महात्मा बुद्ध आएंगे, ठीक है ना, महावीर आएंगे, तो उनके दर्शन पर भी ये चीज़ तुमको दिखेगा, ठीक है, उनके दर्शन में भी कर्मकांडों का विरोध दिखेगा, उनके दर्शन में ज्ञान मार्ग की बातें आएंगी वहाँ सामने, ठीक है ना। और भी घर छोड़कर बाहर जाकर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ठीक है ना, इसलिए उपनिषदों से प्रभावित था। क्वेश्चन आता है परीक्षा में कभी कभी कि महात्मा बुद्ध के विचारों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव था, तो ऑप्शन से रहेगा उपनिषद, तो उपनिषद मानना है, ठीक है। अब तक तुमको समझ में जब रहेगा कि उपनिषद में आत्मा पुनर्जन्म की बातें हैं, ज्ञान मार्ग की बातें हैं, कर्मकांडों का विरोध है, और महात्मा बुद्ध ने भी ये चीज़ किया, कर्मकांडों का विरोध। हालांकि महात्मा बुद्ध ने तो जो वैदिक काल में वेद को अपौरुषेय कहा गया है, अपौरुषेय का मतलब होता है मानव निर्मित नहीं होना, ठीक है ना, अपौरुषेय मतलब मानव निर्मित नहीं, मतलब ईश्वर निर्मित है। मतलब वैदिक साहित्य के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने कहा है, या वेद के रचनाकारों ने कहा है कि अपौरुषेय पुरुषों के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब बाद में बुद्ध महावीर आते हैं तो उन्होंने वेदों के बारे में बताया कि नहीं, यह अपौरुषेय नहीं है, इसकी रचना मानव ने ही किया है, इसे मानव द्वारा ही निर्मित है, ठीक है ना। इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई थी, जो बाद में हम लोग यहाँ आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सब, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ठीक है। इसके अलावा एक आता है वेदांग, ठीक है ना, वेदों के अंग, वेदांग छह अंग हैं, ठीक है ना, ज्योतिष है, कल्प है, तुम जानते हो, छंद है, निरुक्त है, ठीक है ना, जानते हो सब, ठीक है ना। तो वेदांग, वेद के अंग, ठीक है, इसकी रचना बाद में हुई है, और ये लिखित ग्रंथ है, ये श्रुति नहीं है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन श्रुति ग्रंथ नहीं है। तो श्रुति ग्रंथ तुम्हारा ये सब है, कौन कौन, वेद, ठीक है ना, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सब क्या है, श्रुति ग्रंथ है। लेकिन वेदांग क्या है, श्रुति ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर इसको ऐसे समझना है। आगे हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि प्रत्येक वेद के उपवेद होते थे, ये फैक्चुअल है, फैक्ट्स है, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र है, ठीक है, यह क्वेश्चन आता है। तो आखिर चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद की रचना किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। और यजुर्वेद का धनुर्वेद, धनुर्विद्या उस समय काफी इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि लोग युद्ध कला में, ठीक है, या युद्ध में धनुष का प्रयोग करते थे, धनुर्विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत में भी तुम देखे हो, पढ़े हो, रामायण में भी पढ़े हो, है ना, उस समय का अस्त्र का महत्वपूर्ण पाठ होता था धनुर्विद्या, ठीक है। जो धनुर्विद्या जितना निपुण होता था उतना वो बेहतर, ठीक है, वीर, उतना बेहतर सेनानी समझा जाता था। अर्जुन, कर्ण का नाम धनुर्विद्या के आधार पर आता है, ठीक है। सामवेद का ब्राह्मण गंधर्व, गंधर्ववेद जो है ये संगीत से जुड़ा हुआ है, साम संगीत से जुड़ा, समा इस्लाम धर्म में तुम देखोगे जब
कव्वाली होता है, वहाँ शमा की बातें आती है। जब सूफी संत यहाँ आए थे उन्होंने संगीत के माध्यम से, ठीक है ना, ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश किया था। या आज भी हिंदू धर्म में कीर्तन होता है, भजन होता है, वहाँ कव्वाली होता है और उसमें लोग इतना समा बनता है, इतना रम जाते हैं लोग, मतलब लगता है कि भगवान से, मतलब ईश्वर से व्यक्ति का सीधा साक्षात्कार होने लगता है, रम जाते हैं उसमें। एक माध्यम है वो पूजा पाठ करने का, आराधना करने का, भजन कीर्तन, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है? शाम वेद से, यह गंधर्व वेद का उपवेद है। और अथर्ववेद जो है तुम्हारा, अथर्ववेद, ठीक है, यह है शिल्प वेद, इसका उपवेद। शिल्प विभिन्न प्रकार के शिल्पों से संबंधित है। मतलब अब अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है और इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल के लास्ट की बात की, समय की बात कर रहा है और इसमें शिल्पों की बात कर रही है। मतलब व्यक्ति अब अलग अलग प्रकार के शिल्प की रचना कर रहा है, अलग शिल्पों का विकास हो चुका था, ठीक है। चाहे वो वस्त्र निर्माण हो, लोहा का काम हो, मतलब विभिन्न धातुओं का काम हो, स्वर्ण का काम हो, लकड़ी का काम करना हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के शिल्पों का विकास यहाँ पर होता है। और चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से। ऋग्वेद के ब्राह्मण है अत्रेयी ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ तैतरीय, यजुर्वेद दो है, शुक्ल का यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना, शुक्ल का शुक्ल और कृष्ण, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, उस प्रकार दो यजुर्वेद थे, दोनों का अलग अलग ब्राह्मण था। सामवेद का पंचविंस, षडविंस, एक जैमिनीय भी था यहाँ पर, जैमिनीय ब्राह्मण भी है यहाँ पर, नहीं लिखे हो, जैमिनीय है ना, उसमें था। और अथर्ववेद के ब्राह्मण थे गोपथ, याद रखना है इसको। इन सबके अलग अलग पुरोहित होते थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कर्मकांड को करने के लिए अलग अलग पुरोहित होता है। कोई यज्ञ करवाना हो, हवन करवाना हो, शादी विवाह करवाना हो, ठीक है ना, या मृतक संस्कार करना रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अलग प्रकार के पुरोहित होते हैं, तुम सभी लोग जानते हो ये चीज़ को। यहाँ भी चारों वेदों में अलग अलग पुरोहित हुआ करते थे। तो ऋग्वेद से संबंधित जो पुरोहित थे उनका नाम था होत्री, होत्री या होता, ठीक है ना। ये परीक्षा में शब्दों पर ध्यान रखना है, ये होत्री है, ठीक है, या कहीं कहीं आ जाएगा होता, तो कन्फ्यूज नहीं करना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी होत्री या होता रहेगा। अधर्व्यू, यजुर्वेद का अधर्व्यू, उद्गात्री या उद्गाता, मतलब गाने वाला, मंत्र को गागर कर सुनाने वाला, ठीक है ना। और अथर्ववेद में क्या था इसका, ब्रह्मा, ब्रह्मा बोलते, ठीक है। और विषय क्या था, ऋग्वेद में यज्ञ या गद्य और पद दोनों होते थे। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि विधान के बारे में वर्णन है, यजुर्वेद में, खास करके जो तुम देखते हो अल्टर्स देखते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं हवन कुंड, हवन के कुंड के बारे में जानकारी यहीं पर मिलती है, इसी में मिलता है। त्रिभुजाकार हवन कुंड वगैरह बनाया जाता है, कहीं कहीं आयताकार बनाया जाता है, इससे ज्यामिति का भी विकास होता है, इससे ज्योमेट्री के बारे में। जैसे हवन बनाना है, हवन कुंड बनाना है, तो पहले ट्रेंगुलर कर बनाओ, चाहे रेक्टेंगुलर बनाओ, धीरे धीरे क्या हो जाएगा उसको, धीरे धीरे व्यक्ति उसको बनाने लगेगा, ट्रेंगुलर रूप में बनाएगा, रेक्टेंगुलर बनाएगा, है ना, धीरे धीरे सीख जाएगा उसको करने के लिए। उससे क्या होगा कि लोग ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में जानकारी प्राप्त, इससे आएगा, डेवलप होगा, ये भी क्वेश्चन एक आता है, ठीक है ना, ज्यामिति का विकास किससे। और सामवेद जो है बात करते हैं, चूंकि संगीत से जुड़ा हुआ है, गेय मंत्रों का संग्रह है, ये संगीत से जुड़ा हुआ है सामवेद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंधर्व, ठीक है, गंधर्व को उपाधि भी मिलता है संगीतकार को। फिर लास्ट अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोना था, रोग, रोग के उपचार आज भी होता है, बहुत सारे तंत्र मंत्र है ना, झाड़ फूक करने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये तुम्हारा ये सब ऐसे है, बाकी आगे हम लोग बात करेंगे।